Hey guys, welcome back to my channel. It's me Papiya. This is me your Papiya and welcome back to another video guys. तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स का 5 बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में. बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, सबकी पसंद अलग होती है, सबकी स्किन अलग होती है. मेरे स्किन में जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है एंड बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिला है मुझे, वही प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है. एंड आप लोगों को गुड वाइब्स के कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छा लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करना है गुड वाइब्स का या कोई भी और ब्रांड का तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी आप लोगों के साथ, ठीक है. तो अभी फिलहाल चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड उसके बगल में एक छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ठीक है. एंड आप लोग मुझे चाहो तो अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट करना मत भूलना. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. बहुत ही अच्छा एक इफेक्टिव रिजल्ट मिला है मेरे स्किन को, वो है ये ट्रिट्री गुड वाइब्स का ट्रिट्री फेस वॉश. ओके, मैं बहुत सारा फेस वॉश मैंने यूज किया है गुड वाइब्स का, रोजिप किया है, हनी किया है एंड ऑरेंज का किया है, पपाया का किया है, बट सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा ये गुड वाइब्स का ट्रिट्री जो फेस वॉश है वो वाला. ये फेस वॉश जस्ट अमेजिंग है, ये फेस वॉश मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है स्किन में. मेरे स्किन में ना बहुत सारा छोटे छोटे दाना जैसे निकल गए थे पूरे स्किन में ही, वो मामा अर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद. तो मैंने इसको यूज किया था तो वो पूरा पूरी क्लीन हो गया मेरे फेस से, बहुत ज्यादा कम हो गया है. अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा है बट वो भी सारा चला जाएगा. अगर आपका स्किन ऑयली स्किन में पड़ता है और आपका स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल्स एक्ने हैं तो आप लोग जरूर चेकआउट करना इस प्रोडक्ट को एंड एक बार यूज करके देखना, ठीक है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो है रोजिप स्किन क्लेरिफाइंग टोनर. ओके, ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है. रोजिप का सारा प्रोडक्ट ही बहुत ही कूल एंड अच्छा रिजल्ट देता है, बट रोजिप का जो सीरम है ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, सबको पसंद आया, बट वो ना मेरे स्किन में थोड़ी थोड़ी इचीनेस सा हो जाता था उसको यूज करने के बाद. मैंने भी यूज किया था वो प्रोडक्ट बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. ओके प्रोडक्ट था ओके, बट ये जो है ना रोजिप का टोनर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है एंड स्किन का पोर्स जो है ना वो भी मिनिमाइज कर देता है. मेकअप से पहले आप लोग अगर यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको मेकअप फ्लॉलेस हो जाएगा. तो चलो बढ़ते हैं थर्ड प्रोडक्ट की तरफ. थर्ड जो प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का वो है ये विटामिन ई का सीरम, ठीक है. मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी देता है. नॉन स्टिकी फॉर्मूला में आता है, वाटर बेस्ड फॉर्मूला में आता है. आपका स्किन स्टिकीनेस फील नहीं होगा, ऑयल फ्री भी रहेगा. मुझे ठीक से याद नहीं है मैंने कितने बार इसको परचेस किया है, ये शायद मेरा 5th या 4th ऐसा ही होगा, ठीक है. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा. ये इतना का साइज का है, आप लोग देख लेना. विटामिन ई जो है ना हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है पिंपल्स के लिए, तो आप लोग चेकआउट करना मत भूलना. फोर्थ में जो प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से बात करूंगी वो है रोजिप का ये फेस मास्क. ऐसे ही पिंक एक कंसिस्टेंसी में रहता है, आप लोग देख लेना, ठीक है. मक्खन की तरह है, मुझे इतना अच्छा लगा और इसका स्मेल बहुत 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 अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इसको यूज करने के बाद फ्रेश फील होता है. 5th जो प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा गुड वाइब्स के वो है ये वॉलनट का सीरम, हेयर सीरम. अमेजिंग प्रोडक्ट है. जो ड्राइनेस है हेयर का वो भी काफी कम हो गया है एंड इतना ज्यादा स्मूथ हो जाता है ना इसको यूज करने के बाद. बट इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे ठीक ठाक लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ही ज्यादा बुरा नहीं लगता, वो वॉलनट का तरह ही है. एंड इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, आप
आपको लगाने के बाद चिपचिपा फील नहीं होगा एंड ये जो हेयर को है ना बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमनाइज कर देता है। इसका रिव्यू अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसका प्रॉपर एक वीडियो में रिव्यू करके आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो में फिलहाल इसके बारे में स्किप कर देते हैं, बट ये मेरे करंट फेवरेट प्रोडक्ट है। तो यही 5 प्रोडक्ट थी जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है गुड वाइब्स के। एंड काफी सारे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मुझे वो कहते हैं ना चुन चुन के मिला है, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यूज किया है एंड रिव्यू भी किया है। अगर आप लोगों ने रिव्यू का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप लोग चेकआउट करना मत भूलना। तो बस यही था आज का वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।